गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ई बुक के पेज नंबर 157 में थ्योरम 9.1 में पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। टू पैरेललोग्राम्स, अगर पैरेललोग्राम्स दिए हैं और वो सेम बेस में हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो वो दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दूसरा ई एफ सी डी है। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस सी डी के ऊपर हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ए एफ एंड सी डी के बीच में है। इसका मतलब ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स होंगे, इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 158 के एग्जाम्पल टू में। इफ़ अ ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर एक ट्राइंगल दिया है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस में है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो इक्वल होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो देखिए ये हम फिगर है, ए बी सी डी सी पी, यहाँ डी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए पी बी, ए बी पी, ये ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, इन दोनों का सेम बेस है ए बी है, सेम बेस है ए बी, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ए बी एंड पी सी के बीच में, ए बी एंड पी सी के बीच में है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो पी ए बी का एरिया होगा वो हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए हम ड्रॉ करेंगे बी क्यू पैरेलल ए पी, बी क्यू के पैरेलल बी क्यू ड्रॉ करेंगे ए पी के पैरेलल। ठीक है, एक और पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा ए बी क्यू पी। नाउ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी जो है एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी सेम बेस में है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड पी सी के बीच में है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 159 में। देयरफोर जो एरिया होगा ए बी क्यू पी का एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, बाय थ्योरम 9.1 ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। बट जो ट्रायंगल पी ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी क्यू पी के। जो डायगोनल पी बी है वो डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को ए बी क्यू पी में इंटू पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी को डिवाइड कर रहा है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, तो एरिया ऑफ पी ए बी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ बी क्यू पी के। ठीक है, फिर एरिया ऑफ पी ए बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी क्यू पी के फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, तो पी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी क्यू पी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बी क्यू पी जो है वो इस पैरेललोग्राम का हाफ पोर्शन है। ठीक है, तो ये गिव्स करेगा और इसकी जगह हमने अभी ये बताया है ये होगा, तो एरिया ऑफ पी ए बी किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। इन फिगर 9.15 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए ई परपेंडिकुलर ऑन डी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। ये देखिए, ये फिगर है 9.15। इस फिगर में ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए ई परपेंडिकुलर है डी सी के ऊपर एंड सी एफ परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर, और ए बी कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ए ई दिया है आपको 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है ए डी की लेंथ। चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे एडी की लेंथ। देखिए, सेम फिगर हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। आप लिखेंगे सबसे पहले इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आएगा। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, तो ए बी 16 है तो सी डी भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है जो एरिया होता है पैरेललोग्राम उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो हम लिखेंगे वी नो दैट
एरिया ऑफ अ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, बेस इनटू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, सी डी इंटू ए के, किसके इक्वल होगा, सी डी इंटू ए के। तो जो ए बी सी डी है पैरेललोग्राम उसका एरिया किसके इक्वल होगा, सी डी इंटू ए के, ठीक है। और जो इधर साइड जब हम देखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए डी इंटू सी एफ के, ये इक्वल होगा ए डी इंटू सी एफ के, ठीक है। तो सी डी इंटू ए, तो सी डी की वैल्यू क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या दी है, तो यहाँ सी डी की जगह हम 16 पुट करेंगे, ए की जगह 8, ए डी की जगह ए डी लिखेंगे, सी एफ की जगह 10। सॉल्व करेंगे तो ये 10 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी। तो लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 16 इंटू 8 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे इसे हम, 16 एट जा 128 होगा, 128 अपॉन 10, वन डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे तो एडी इज इक्वल टू आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। तो एडी की लेंथ आ गई 12.8 सेंटीमीटर, और यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए अब आप क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू, इफ़ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ई एफ जी एंड एच जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, तो हमें शो करना है कि जो एरिया होगा ई एफ जी एच का वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे शो करेंगे। तो ये देखिए एक पैरेललोग्राम बना है ए बी सी डी, मिड पॉइंट्स हैं साइड ई एफ जी एच के, ठीक है। यहाँ से इनको ज्वाइन किया है, इसको भी डैश डैश करके ज्वाइन किया गया है। तो हम सबसे पहले देखिए क्या देखेंगे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के, एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, एंड ए डी किसके पैरेलल होगा बी सी के, ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम पता ही होगा आपको, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, कैसे, वो भी अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस इतना ही लिख दीजिएगा काफ़ी है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर आप इस इक्वेशन को आप लेंगे, यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी लिया था हमने, ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी था, तो ए डी की जगह हम क्या, ए डी को जब हाफ ऑफ ए डी लेंगे हम, हाफ ऑफ ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी सी के, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी सी के, और हाफ ऑफ ए डी का मतलब ए एच, और यहाँ हाफ ऑफ बी सी का मतलब है बी एफ, तो मतलब ए एच पैरेलल होगा किसके, बी एफ के, एंड ए एच पैरेलल होगा आपका बी एफ के, ठीक है। हाफ ऑफ ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी सी के, एंड ए एच पैरेलल होगा बी एफ के, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए डी का मतलब है ए एच, और हाफ ऑफ बी सी का मतलब है बी एफ, हाफ ऑफ ए डी का मतलब ए एच, हाफ ऑफ बी सी का मतलब है बी एफ, ठीक है। तो ए एच इज इक्वल टू बी एफ होगा, एंड
एच पैलर है बी एफ के, बगल में रीजन बता देंगे एच एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी, लिखेंगे एच एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी, ठीक है। तो ए एच किसके इक्वल है, बी एफ के, एंड एच पैलर है बी एफ के, एच एंड एफ जो है मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए डी एंड बी सी के, तो देयरफॉर ए बी एफ एच क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ए बी एफ एच क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी एफ एच क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम लेंगे सिंस, अब ट्रायंगल एच ई एफ को ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल एच ई एफ को ध्यान से देखिएगा एंड ए बी एफ एच पैरेललोग्राम को देखिए, ये सेम बेस में है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड एच एफ के बीच में है, इसका मतलब जो एरिया होगा ट्रायंगल एच ई एफ का वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम सेम ट्रायंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस एच एफ एंड बिटवीन द एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड एच एफ, सिंस ट्रायंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम जो है ए बी एफ एस वो सेम बेस हैं एच एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, देयरफॉर जो आपका एरिया होगा ट्रायंगल एच ई एफ का वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच के, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट लिखेंगे हम सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट कि जो एरिया होगा ट्रायंगल एच जी एफ का वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच डी सी एफ के, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ये देखिए एच जी एफ का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के एरिए एच डी सी एफ के इक्वल होगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम ऑब्टेन करेंगे कि जो एरिया है ट्राइंगल एच ई एफ का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ को ऐड करेंगे यहाँ पे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ, एच ई एफ और एच जी एफ को जब ऐड करेंगे तो हमें पैरेललोग्राम ई एफ जी एच मिल जाएगा इक्वल टू, इसको इससे प्लस करेंगे तो हाफ और एरिया ए बी एफ एच प्लस हाफ एरिया एच डी सी एफ, ठीक है। तो जो हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच होगा इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस हाफ ऑफ एरिया दिस प्लस हाफ ऑफ एरिया एच डी सी एफ, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से वन बाई टू कॉमन ले लेंगे अब हम, तो अंदर बचेगा एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच डी सी एफ, एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच डी सी एफ, तो आ जाएगा
देखिए ए बी एफ एच एंड एच डी सी एफ दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ए बी सी डी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एरिया ए बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा एच ई एफ प्लस एच जी एफ क्या जाएगा, पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ये इसके इक्वल था, इसके इक्वल हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, यहाँ भी लिखेंगे एरिया ई एफ जी एच। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। लास्ट में लिखेंगे हम हैंस प्रूफ्ड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ये आपका प्रूफ्ड हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, इसे आप घर में एक बार अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे